Good morning to all students. In this particular lecture, we will discuss about the refrigeration and air conditioning system. As in the introductory part, first we will define the refrigeration, which may be defined as the process of achieving and maintaining a temperature below the surrounding temperature. यानी कि जो रेफ्रिजरेशन होता है वो एक प्रोसेस होती है. उस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम किसी भी पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बिलो सराउंडिंग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रोसेस. द एम बीइंग टू कूल सम प्रोडक्ट और स्पेस टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर. हमारा जो एम रहेगा रेफ्रिजरेशन का वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कूल करके रखना या फिर किसी भी एनवायरनमेंट को कूल करके रखने का होता है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन हैज़ बीन द प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिसेबल फूड प्रोडक्ट्स बाय स्टोरिंग देम एट लो टेम्परेचर. सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन होता है वो फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखने का होता है. रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स आर ऑल्सो यूज एक्सटेंसिवली फॉर प्रोवाइडिंग थर्मल कम्फर्ट टू ह्यूमन बीइंग बाई मीन्स ऑफ एयर कंडीशनिंग. जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको हम यूज करते हैं एक्सटेंसिवली अत्यधिक मात्रा में, जिससे कि हम पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें विद द हेल्प ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम. एयर कंडीशनिंग रेफर टू द ट्रीटमेंट ऑफ एयर सो एज टू साइमल्टेनियसली कंट्रोल इट्स टेम्परेचर. एयर कंडीशनर में हम जो भी पर्टिकुलर एयर है उसको फिल्टर करते हैं और उसको रिक्वायर्ड कंफर्ट टेम्परेचर तक कूल डाउन करके एयर कंडीशनर के थ्रू पर्टिकुलर रीजन में भेजते हैं. मॉइस्चर कंटेंट क्लीनलीनेस ऑर्डर एंड सर्कुलेशन एज रिक्वायर्ड बाय द ऑक्यूपेंट ए प्रोसेस और प्रोडक्ट इन द स्पेस. ओके, द सब्जेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हैज इवॉल्व आउट ऑफ ह्यूमन नीड फॉर फूड एंड कंफर्ट एंड इट्स हिस्ट्री. The history of refrigeration is very interesting since very aspect of it, the availability of refrigerants, the prime movers and the development in compressor and the method of refrigeration all are a part of it. The French scientist Roger Thévenot has written an excellent book on the history of refrigeration throughout the world. Here we present only a brief history of the subject with special mention of the pioneer in the field of some important events. Next one is unit of refrigeration. The unit of refrigeration is expressed in terms of ton of refrigeration, TR. One ton of refrigeration is defined as the amount of refrigeration effect heat transfer produced during uniform melting of 1,000 kg of ice at 0 degree centigrade to the water at the 0 degree centigrade in 24 hours. तो जो भी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन है उसको हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. और एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के इक्वल होता है. जब हम क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर 1 ton ऑफ आइस को 100 kg आइस को 0 degree centigrade के वाटर में कन्वर्ट करने में मेल्ट करने में जो भी पर्टिकुलर आपका इफेक्ट यूज़ हो रहा है दैट इज़ 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन. 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 3.5 kW और 210 kJ/min. नेक्स्ट वन इज कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस. द कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस COP, समटाइम्स इट इज़ नोन एज CP और स्मॉल COP ऑफ ए हीट पम्प रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज रेशियो ऑफ यूजफुल इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड टू द वर्क रिक्वायर्ड. हायर COP इक्वेट टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट. एज वी आर सीइंग द रेफ्रिजरेटर कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड इन्फ्रेंसेस. सपोज दिस इज योर रेफ्रिजरेटर एंड हेयर वी आर डूइंग वर्क ऑन इट. ये आपका रेफ्रिजरेटर है और इस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर के अंदर व्हाट वी आर डूइंग सम वर्क
अपर पार्ट यहाँ पर ये आपका हीट सिंक है जो हमने डाउन में दिखाया था, और दिस इज आवर हीट सोर्स। तो हीट सोर्स को ये एनर्जी दे रहा है, और कहाँ से ले रहा है, हीट सिंक से। हियर टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, यानी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग दैट पर्टिकुलर स्टीम। दिस इज द वर्किंग सब्सटेंस कंप्रेसर, हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर इज ए कूलिंग डिवाइस, एन आइडियल रेफ्रिजरेटर कैन बी रिगार्डेड एज कार्नोट हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। एक जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या है, आपकी एक कूलिंग डिवाइस है, और एन आइडियल रेफ्रिजरेटर कैन बी रिगार्डेड एज कार्नोट हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। नेक्स्ट वन इज दिस रेफ्रिजरेटर, ए रेफ्रिजरेटर इज ए कूलिंग डिवाइस, रेफ्रिजरेटर एक कूलिंग डिवाइस होती है। एन आइडियल रेफ्रिजरेटर कैन बी रिगार्डेड एज कार्नोट हीट इंजन वर्किंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए हीट पंप। इन ए रेफ्रिजरेटर द वर्किंग सब्सटेंस वुड एब्जॉर्ब सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट फ्रॉम द सिंक एट लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू द सोर्स एट ए हायर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी लाइक एन इलेक्ट्रिक मोटर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एज वी आर सीइंग, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो यूज करते हैं हम रेफ्रिजरेंट दैट इज फ्रियोन डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन एक्ट एज द वर्किंग सब्सटेंस, वो वर्किंग सब्सटेंस की तरह काम करता है। थिंग्स कैप्ड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर एक्ट एज ए सिंक एट ए लोअर टेम्परेचर टी टू, ये हीट सिंक की तरह वर्कआउट कर रही है, और दिस इज वर्किंग एज ए हीट सोर्स। एंड हियर टी वन इज ग्रेटर देन टी टू, वी आर डूइंग सम वर्क, W is performed by the compressor on the working substance, therefore it absorb heat energy Q2. ये यहाँ से heat energy Q2 absorb कर रहा है from the sink and reject Q1 amount or reject Q1 amount of heat energy to the source at temperature T1 पर। Since this is a reversible cyclic process, the change in internal energy of the working substance is zero, du is equal to zero. According to the first law of thermodynamics, dq is equal to kya hai, du plus dw, change in internal energy is equal to change in internal energy plus work done, aur dq ki value hum nikalenge to aayega aapka q2 minus q1, aur dw is equal to minus w, aur du is equal to zero। और यहाँ पर अगर हम आगे फर्दर बात करते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू वन इज इक्वल टू माइनस डब्लू, एंड द नेगेटिव साइन विद डब्लू रिप्रेजेंट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डब्लू इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू। नेक्स्ट वन इज द कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्वान्टिटी ऑफ हीट क्यू टू रिमूव पर साइकिल फ्रॉम द कंटेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर to the energy spent per cycle, W to remove this, तो सी ओ पी क्या होगा आपका, क्यू टू डिवाइडेड बाई डब्लू, क्यू टू डिवाइडेड बाई डब्लू। और अगर हम यहाँ से निकालते हैं सी ओ पी, यानी क्यू टू डिवाइडेड बाई क्यू वन अपॉन क्यू टू, और सी ओ पी आपका आ जाएगा यहाँ पर टी टू अपॉन में टी वन माइनस टी टू। फर्दर इसके एप्लीकेशंस हैं रेफ्रिजरेशन के, इन वाटर कूलिंग टू सप्लाई द कोल्ड वाटर, टू मैन्युफैक्चरिंग आइस, फॉर फूड रिजर्वेशन फूड वेजिटेबल मिल्क्स, रिजर्वेशन ऑफ चिकन किचन मिस फिश, प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसन ब्लड टिश्यूज इन हॉस्पिटल्स एंड डेड बॉडीज इन हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर यूटिलाइज। नेक्स्ट वन इज़ द रेफ्रिजरेंट, बेसिकली जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है, तो ए रेफ्रिजरेंट इज ए सब्सटेंस और मिक्सचर यूजली ए फ्लूइड यूज्ड इन हीट पंप और इन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इन मोस्ट साइकिल इट अंडरगोज फेज ट्रांजिशन फ्रॉम ए लिक्विड टू गैस एंड बैक अगेन गैस टू लिक्विड, मैनी वर्किंग फ्लूइड हैव बीन यूज्ड फॉर सच पर्पज, इस पर्पज के लिए कई सारे फ्लूइड हम यूज कर चुके हैं, जैसे
fluorocarbons, especially chlorofluorocarbons, become commonplace in the 20th century, but they are being phased out because of their ozone depletion effect. Other common refrigerants used in various applications are ammonia, sulfur dioxide, and non halogenated hydrocarbons such as propane. The good properties of a refrigerant are as follow: high critical temperature, the specific heat of liquid should be small, high latent heat of vaporization, large conductivity to reduce the size of the condenser, low specific volume of vapor, low freezing point such that there is no blockage during flow through the evaporator, non-corrosive to metal and inert so as to not react with the other material and commodities of the refrigeration system, non-toxic, low boiling point, non-flammable and non-explosive, low cost and easily available, easy to liquefy at moderate pressure and temperature, easy to locating leak by odor or switchable indicator, mixes well with the oil, and low viscosity. These are the properties of the refrigerants. Next is the types of refrigerants, जिसमें आपका chlorofluorocarbon आता है, CFC, R12. This is known to contribute to the greenhouse gas effect, production of new stocks seized in 1994. Hydrochlorofluorocarbons, HCFC including R22, slightly less damaging to the ozone than R12, but the EPA has still mandated a phase out as a result of the Clean Air Act of 2010. Hydrofluorocarbon including R410A and R134, and many modes are the refrigerants that we can utilize. Thank you very much.